नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, एसएन सुजला हमेशा कुछ नया और कुछ प्रेरणादायी दिखाने का प्रयास करता है। आज सुजानगढ़ के प्रसिद्ध समाजसेवी त्रिपाल व्यवसायी मोहम्मद रफीक खींची अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने एक अद्भुत प्रेरणादायी कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा सुजानगढ़ की गोपाल गौशाला में 50 गायों को गर्म सूट सर्दी में और 2 चारे की झाल, 1 कूलर की झाल, 1 कुत्तर की झाल प्रदान की गई है। राजकीय बगड़िया चिकित्सालय के कर्मचारियों मरीजों को 50 कंबल वितरित किए जा रहे हैं। साथ में मानव सेवा संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को भी 50 कंबल वितरित किए जा रहे हैं। आइए इस प्रेरणादायी कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सुजानगढ़ नातो तालाब स्थित गोपाल गौशाला का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज सुजानगढ़ के जाने माने समाजसेवी और प्रसिद्ध त्रिपाल व्यवसायी मोहम्मद रफीक खींची अपना 55वां जन्मदिन मनाने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए, मोहम्मद रफीक खींची 50 गायों के लिए विशेष पोशाक लेकर पहुंचे हैं, जो गायों को इस कड़कड़ाती सर्दी से बचाएंगी। ये खास गायों की ड्रेसेज आप देख रहे हैं, जो इस कड़कड़ाती सर्दी में गायों को सर्दी से बचाएगी। और अब आप देख रहे हैं गौ माताओं को ये सर्दी से बचाने वाली पोशाक पहनाई जा रही है गौशाला के कर्मचारियों के द्वारा। इस तरह की 50 ड्रेसेस मोहम्मद रफीक खींची त्रिपाल व्यवसायी ने अपने 55वें जन्मदिन पर गोपाल गौशाला की गायों के लिए प्रदान की है। सैल्यूट करते हैं इस व्यक्ति के जज्बे को, जिन्होंने गौ सेवा का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये मोहम्मद रफीक खींची है, प्रसिद्ध समाजसेवी जिनका 55वां जन्मदिन है, और गौ सेवा का एक प्रेरणादायी कार्य उन्होंने अपने जन्मदिन पे करके लोगों को एक सीख दी है। इस पुनीत अवसर पर आप देख रहे हैं कांग्रेस नेता, पूर्व सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री स्वर्गीय मास्टर भवनलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल सहित अनेक कांग्रेसी नेता उपस्थित हैं। अब्दुल सलाम हफीजी को आप देख रहे हैं, जो मोहम्मद रफीक जी के पुत्र हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दर्जनों बार उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना के उदाहरण सुजानगढ़ में प्रस्तुत किए हैं। आप देख रहे हैं मुस्लिम तेली समाज के दर्जनों लोग यहाँ पर गौ सेवा के इस कार्य में शामिल होने के लिए मोहम्मद रफीक खींची के साथ पहुंचे हैं। राधे राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा, गोपाल 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 कृष्णा, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, अब आप देख रहे हैं इस गौशाला में कार्य करने वाले 20 कर्मचारियों के लिए कंबल प्रदान किए जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं मोहम्मद रफीक जी खींची मनोज मेघवाल के साथ गौशाला के कर्मचारियों को कंबल उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं 50 गाय माताओं के लिए गर्म सूट और 20 कर्मचारियों के लिए कंबल जो गौशाला लाए गए हैं। प्रसिद्ध त्रिपाल व्यवसायी और समाजसेवी मोहम्मद रफीक खींची जिनका आज 55वां जन्मदिन है, अपने साथियों के साथ आज के बगड़िया चिकित्सालय पहुंचे हैं।
यहाँ पर मरीजों और कर्मचारियों के लिए कंबल वितरित किए जाएंगे और साथ में मरीजों को फल बांटे जाएंगे। अब आप देखने राजकीय बगड़िया चिकित्सालय के कर्मचारियों को कंबल बांटे जा रहे हैं। पुनः बताना चाहूंगा, आज त्रिपाल व्यवसायी मोहम्मद रफीकी जी का 55वां जन्मदिन है और अब वो अपने साथियों के साथ राजकीय बगड़िया चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर चिकित्सालय के मरीजों और कर्मचारियों को 50 कंबल वितरित किए जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं सभी लोग अस्पताल के वार्डों में पहुंचे हैं, जहां पर बीमारों के लिए फल वितरित किए जा रहे हैं। मोहम्मद रफी खींची अपने साथियों के साथ अब मानव सेवा संस्थान पहुंचे हैं, जहां पर निराश्रित बच्चों को कंबल वितरित किए जाएंगे। मानव सेवा संस्थान में जो कर्मचारी बच्चों की सेवा करते हैं, सबसे पहले उनको कंबल उड़ाकर सम्मानित किया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं मानव सेवा संस्थान में शिक्षा ग्रहण करे निराश्रित बच्चों के लिए 50 कंबल प्रदान किए जा रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम मेरे वालिद मोहतरम के जन्मदिवस और नया साल की आमद के मौके पर रखा गया। सबसे पहले जैसे बताया गया कि अल्लाह की इबादत की गई, फिर बेजुबान जानवरों को कंबल, शॉल और जो वहाँ काम करते हैं उनके लिए कंबल का अहतमाम किया गया। गायों के लिए 2 कुत्तर की झाल और 1 चारे की झाल का अहतमाम किया गया। उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में आकर के मरीजों को फल तकसीम किए गए और स्वीपर्स हजरात जो हैं उनको 50 पीस कंबल दिए गए। और आज यहाँ मानव सेवा संस्थान, जो मैंने पहली मर्तबा इसका विज़िट किया है, मुझे नहीं पता था कि ऐसी संस्था यहाँ चल रही है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं और जो काम करते हैं उनके लिए भी 50 पीस कंबल हमने वितरण किए हैं। और हमारा ये मानना है कि नया साल के पहले ही दिन हम दान पुण्य करके अल्लाह को राज़ी करें और नेक कामों का हिस्सा बन करके दुआ करें कि जो पिछला हमारा साल कष्टदायक पीड़ादायक गुजरा है, आने वाला साल हम सब के चेहरों पर रौनक, खुशी, तरक्की और मुल्क हिंदुस्तान के लिए बिलखसूस तरक्की का बाइस बनते हुए हम सबको खुशहाल, अमन, शांति के साथ गहवारा बनते हुए हमारा मुल्क ये आगे तरक्की करे। तो उशाला जाके वहाँ गायों को गुड़ और चारा खिला के आए, उसके बाद में हॉस्पिटल में कंबल वितरण का कार्यक्रम था, उसमें सम्मिलित होकर यहाँ भी वही कंबल वितरण का कार्यक्रम है। जो यहाँ कर्मचारी और जो रह रहे हैं बच्चे, उनके लिए कंबल दिलाई गई है। खींची परिवार भी उसमें योगदान है, बाबा उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नव वर्ष में सभी को ये शुभकामना है कि ये नया सवेरा लेके आए। 2020 की साल जो काफ़ी कष्टदायक रही है पूरी दुनिया में ही, उससे बाहर निकल के और सुख शांति नए साल में हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और नई खुशहाली आए वापस दोबारा, नए सबके चेहरों पर रौनक आए, यही ईश्वर से प्रार्थना। ये था सुजानगढ़ से हमारा एक प्रेरणादायक कार्यक्रम, जिसमें सुजानगढ़ के जानमाने समाज से भी त्रिपाल व्यवसायी मोहम्मद रफी खींची ने अपने 55वें जन्मदिवस पर गायों के लिए गर्म वस्त्र प्रदान किए गए, गायों के लिए चारा कुत्तर प्रदान की गई, राजकीय बगड़िया चिकित्सालय के कर्मचारियों और मरीजों को 50 कंबल वितरित किए गए, निराश्रित बच्चों को 50 कंबल वितरित किए गए। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अपना जन्मदिवस इसी तरह से मनाना चाहिए। यह निश्चित रूप से सच्ची मानवता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया।
एसियन सुधला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।